नमस्कार, मैं हूँ साक्षी जैन और आप देख रहे हैं खबर हंग्री। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। बिहार के बटनावर मंडी में खड़े ट्रक में लगी आग, जनहानि नहीं हुई। बिहार में नीतीश के खिलाफ उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। बिहार के खगड़िया में पेपर बांटने वालों ने रखी अपनी मांग। यूपी के कन्नौज में योगी सरकार में आवास योजना में हो रही बड़ी धांधली। और अब खबरें विस्तार से। धार जिले के बदनावर की मंडी परिसर में खड़े ट्रक में अचानक लगी आग। आग लग जाने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ट्रक के कैबिन जलने से कृषि उपज मंडी परिसर में देर शाम अचानक आगजनी के बाद पुलिस व दमकल को बुलाया गया। दमकल ने समय पर पहुंचकर जैसे तैसे आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि यदि समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो मौके पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जलते ट्रक से सटे करीब 20 से 25 ट्रक खड़े हुए थे। जानकारी के अनुसार विकराल आगजनी में ट्रक का कैबिन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। हालांकि आग का कारण अभी पता नहीं लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। अखबार पेपर वेंडरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बिहार के खगड़िया में एक बैठक रखी, जिसमें ब्रजेश कुमार अध्यक्ष रहे। रेलवे स्टेशन के पीछे दुर्गा मंदिर में मांगों को लेकर हुई बैठक में पेपर वेंडरों ने अपने अध्यक्ष व सचिव के समक्ष कई तरह की मांगें रखी, जिसमें कमीशन में बढ़ोतरी, बीमा योजना का लाभ BPL एवं आवास योजना का लाभ, अखबार विक्रेता का पहचान पत्र होने की बात कही गई है। इस दौरान विनय भूषण मिश्र, राजकुमार, सुनील गोपाल, अजय, मनीष, चुनचुन, मीठू, मुकेश, मनोज, मंटुन, नवीन, भोला, खगेश, महतो सहित अन्य लोग मौजूद रहे। यही है कि महंगाई बढ़ते जा रहा, हम लोग का कमीशन नहीं बढ़ रहा अभी तक। हम लोग को नहीं कोई ID प्रूफ है, नहीं कोई सुरक्षा बीमा दिया गया है कंपनी के तरफ से। भी हम लोग रात बिरात निकलते हैं 3-4 बजे सुबह में, जबरदस्ती पेपर ले लेता है हम लोग से, पेपर दो। शिकायत क्या करेंगे, एक पेपर के लिए क्या शिकायत करेंगे? अपने कमजोर वर्ग का लोग हैं, हम जाएंगे कहीं शिकायत करने के लिए? आज ये शिकायत करेंगे, कल हो सकता है कल मेरे साथ और बड़ा दुर्घटना हो जाए तो हमारे लिए हम ये शिकायत करके करेंगे से। हाँ, क्या कहाँ जाएंगे हम शिकायत करने से? उस वक्त सुरक्षा मांग करते हम लोग, सुरक्षा लोग जिम्मा बीमा जो होता वो देना चाहिए, वो भी कुछ नहीं मिलता हम लोग को। बिहार के खगड़िया में CM नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। बीते दिनों हजारों की संख्या में जदयू के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को बाय बाय कर इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि मंडल अध्यक्ष की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में रोष उत्पन्न हुआ है और उन्होंने जदयू को इस्तीफा दिया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पूर्व जिला जदयू अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया हुई थी, जिस चुनाव में बबलू कुमार मंडल विजय घोषित हुए, लेकिन प्रदेश जदयू द्वारा बबलू मंडल को अघोषित करके सोनीलाल मेहता को जिला जदयू अध्यक्ष बनाया गया, जो कि जिला जदयू के कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा। और बबलू के समर्थन में उतरे हजारों कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी से बाहर जाने की बात कही। अब देखना यह होगा कि सरकार अपने बागी कार्यकर्ताओं को किस तरह मनाती है और पुनः पार्टी में लाती है। आज का कार्यक्रम था जो हमारे डेलीगेट पूरे खगड़िया लोकसभा के चारों विधानसभा से जितने डेलीगेट थे, जिन्होंने हमें जिलाध्यक्ष के चुनाव में 124 वोट में 124 डेलीगेट थे, इसमें कि 74 ने उसमें बूथ में मतदान में काम भाग लिया और 69 ने हमें वोट देने का काम किया। वही सभी साथी ने हमें ये सुझाव दिया कि आपने इतने दिनों से पार्टी में काम कर रहे हैं और पार्टी ने जो दल विरोधी सब दिन काम किया उसी को सम्मानित करने का काम कर रहा है, आप लोग स्वतंत्र रूप से सामाजिक कार्य करें, पार्टी से इस्तीफा दे दें। हमने सभी का सम्मान, सभी कार्यकर्ता का सम्मान किया और अपने सामाजिक कार्य के और हम बढ़ते रहेंगे, खगड़िया के लिए सेवा करते रहेंगे और किन्हीं पार्टी में सेवा करने का हम लोग प्रयास भी नहीं करेंगे और हम लोग ऐसे आप मतलब सेवा करेंगे पब्लिक का। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का बात, कार्यकर्ताओं के चुने हुए अध्यक्ष बबलू मंडल जी जो कार्यकर्ताओं का आवाज़ था, इनको हम लोग अध्यक्ष बनाए और एक वोट वाले को अध्यक्ष वहाँ से नॉमिनेट कर दिया गया, कोई कार्यकर्ता से कोई राय विचार नहीं लिया गया। तो कार्यकर्ता कोई मान सम्मान है? कार्यकर्ता सिर्फ झंडा ढोने के लिए नहीं है।
गायत्री प्रज्ञा संस्थान खरगोन जिले के कसरावद में हर रविवार अलग अलग गांव में और कसरावद नगर के अलग अलग मोहल्लों और कॉलोनियों में यज्ञ करवा रहा है। इस अभियान के माध्यम से लोगों को यज्ञ से दिव्य लाभ मिल रहे हैं। घर घर में युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ आदि शक्ति माँ गायत्री के वरद पुत्र इस युग के विश्वामित्र पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के जीवन बदलने वाले दिव्य विचार भी पहुंच रहे हैं। गायत्री परिजनों ने बताया कि अगर घर घर में हर व्यक्ति के मस्तिष्क में सद्विचार पहुंच जाएंगे तो फिर से सतयुगी वातावरण इस धरती पर निर्मित हो जाएगा। जहां एक तरफ यूपी सरकार और केंद्र सरकार गरीबों को आवास मुहैया करा रही है, वहीं अधिकारियों द्वारा सरकारी नियमों में जमकर पलीता लगाया जा रहा है और जमकर मनमानी की जा रही है। सरकार की मंशा है कि हर गरीब को आवास मिल सके और अधिक लोगों को इस योजना में जागरूक कर सके, लेकिन सरकार के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। सरकार के ही कुछ अधिकारी साठ गांठ करके अपात्रों को आवास दे रहे हैं और पात्र झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के जनपद कन्नौज में सामने आया है। यूपी के कन्नौज जनपद के ब्लॉक उमरदा के अंतर्गत ग्राम सभा बस्ता में प्रधानमंत्री आवास का लाभ सुभाष सेवक को दे दिया गया है, जिसका दो मंजिल मकान बना है। दो मंजिल मकान वाले को लाभ मिल रहा है, जबकि उसी गांव में कई परिवारों को झोपड़ी और पॉलिथीन से ढककर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। लोग आश्चर्यचकित इस बात पर हैं कि अन्य सरकारों की तरह योगी सरकार में अंधेर गर्दी चलती है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी तीरवा से बात की गई तो उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, जबकि विजुअल में साफ देखा जा सकता है कि विधवा झोपड़ी में रहने को मजबूर है और अधिकारियों के काफी चक्कर लगाने के बाद भी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। जबकि गांव के ग्रामीणों ने बताया कि मेरे गांव में अमीरों को आवास दिए जाते हैं, गरीबों को नहीं। आखिरकार कब तक गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा और कब तक आपात लाभ लेते रहेंगे? हमें सर मेरा मकान गिर गया है, हमें मिल नहीं रहा है, हम बहुत परेशान हैं। हमने एप्लीकेशन दी है कन्नौज में भी और तहसील तिरवा में भी दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं की जाती, हम विडो हैं। और यहाँ जो गांव में जिनको नहीं मिलने वाला मकान था उनको मिला है, तीन तीन मंजिल के मकान बने, उनके घर में गाड़ी है, उनको सबको आवास मिला है, हमको नहीं मिला है। हमारी हाथ जोड़ की यही प्रार्थना हमको भी दिया जाए। समस्या यह है कि हमारे गांव में एक बेचारी झोपड़पट्टी पन्नी तान के रह रही है औरत, उसको आवास नहीं दिया गया। जो तीन तीन चार चार मंजिल की कोठी बनाए हैं बाजार में, उनको कॉलोनी मिल रही है और अन्यथा गरीब आदमी को कोई कॉलोनी नहीं मिल रही है, कहाँ का न्याय है बताओ भाई। कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबर इंडिया के साथ। जनता की बुलंद आवाज।